अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा व्लॉग्स फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स। कैसे हैं मेरे व्यूवर्स? आई होप सभी लोग अच्छे से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। चलिए फिर मैं आज आप लोगों के सामने एक न्यू व्लॉग के साथ आ चुकी हूँ। इस व्लॉग में मैं जो है अपने 11वीं शरीफ वाले दिन जो है हमने जो फातिहा कराया था उसके लिए हमने क्या क्या प्रिपरेशन की थी वो चीज़ें मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जो है गैस पे मैंने 4 लीटर दूध की जो है खीर बना रहे हैं हम, और चावल जो है हमने पीस कर ये दूध में हमने ऐड कर दिए हैं। इसमें लौंग इलायची हमने डाल दिया है और अभी जो है कंटिन्यूस खीर जो है धीरे आँच पे पकती रहेगी। और दूसरी ओर जो है हमारी कुक जो है चिकन बिरयानी की तैयारी कर रही है और माशाल्लाह से जो देखिए एक तरफ हमारी खीर बनकर रेडी हो गई है। ऊपर से जो है हमने देसी घी और जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे सारे कट करके मैंने रखे हुए थे, उसका बघार जो है हमने एंड में खीर में दे दिया है। अभी जो है 2-3 बॉईल आने के बाद जो है खीर को हम खीर का गैस बंद कर देंगे और खीर को जितना स्लो आंच पर हम पकाएंगे उतनी ही अच्छी खीर होती है, उतनी ही थिक और गाढ़ी होती है, जो कि बहुत ही टेस्टी खीर बनती है। और दूसरी तरफ जो है हमारी चिकन बिरयानी बन रही है। वैसे तो मैंने एक हफ़्ता पहले भी 11वीं शरीफ की नियाज कराई थी जो कि रेहान के पापा ने सिर्फ जेंट्स लोगों को बुलाए थे बिल्डिंग में से, और माशाल्लाह से वो भी फंक्शन हमारा बहुत ही अच्छा हुआ था। उस दिन जो है हमारा खाना जो है बाहरी बना हुआ था और मीठे पे न्याज हुआ था जो कि खाजा हमने मंगाए थे। ठीक है, तो ये जो है 11वीं शरीफ वाले दिन हमारा जो मतलब हर साल जो है हम 11वीं शरीफ वाले ही दिन न्याज करते हैं, इस टाइम 2 बार हो गया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो चिकन है वो एक तरफ मसाला बुना रहा है और हमारा सैलड भी बनकर रेडी है। अभी जो है आपा इसमें दही ऐड कर रही हैं और बिरयानी पे सैलड जो है बनाकर हम पहले ही रख देते हैं, बाद में जो एक तरफ बिरयानी पकती रहे और एक तरफ सैलेड का भी काम हो गया है। और एक्चुअली जो है आपा जल्दी आ गई थी क्योंकि हमें असर के ही टाइम फातिहा दिलाना था, तो आपा 3:30 बजे ही आ चुकी थी और 11वीं शरीफ जो है फ्राइडे वाले दिन थी। और मेरा व्लॉग जो है अभी लेट आ रहे हैं, ठीक है, और मैं मतलब घर के कामों में मसरूफ़ रहने की वजह से मैं व्लॉग नहीं डाल पाती हूँ, तो आप लोग थोड़ा समझ सकते हैं। और ये देखिए अभी जो है हमारी बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह से देखने में बहुत ही अच्छा लुक बिरयानी का आ रहा था। और ये देखिए अभी आपा जो है खीर तो बन चुकी है, अभी पूरी फ्राई हो रही है और ज़बरदस्त खीर पूड़ी का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। और अभी जो है जनाब जी को हमने बुलाए हुए हैं, तो जनाब जी रेहान को पढ़ाने आते हैं तो उसी टाइम पे वो फातिहा भी देंगे। ठीक है, तो अभी जो है कुछ वक्त रह गया है, अभी हमारा जो है न्याज का खाना जितना भी था वो पूरा बनकर रेडी हो चुका है। और 11वीं शरीफ वाले दिन जो है 11 किताबें पढ़ी जाती हैं, जो कि जब हमने पहले फातिहा कराई थी 11वीं शरीफ वाले दिन तो 11 मौलाना आए हुए थे, उन्होंने पढ़े थे। तो जो लोग पढ़ते हैं वो फटाफट पढ़ के अपना जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, और इस टाइम तो हमने सिर्फ मौलाना जी को बुलाए थे जो कि उन्होंने पढ़ के दुआ कराए थे घर में, माशाल्लाह से खैर व बरकत के लिए 11वीं शरीफ का नियाज हमने करा जो कि हम हर साल कराते हैं, इंशाल्लाह सभी को कराना चाहिए। और आप लोगों को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।